ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको काला सागर के बारे में बताने जा रहा हूं। हालांकि इसका नाम सुनकर काफी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर इसे काला सागर क्यों कहा जाता है, क्या इसका पानी काले रंग का होता है। अगर आपके मन में भी इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं तो आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि काला सागर को अंध महासागर और कृष्ण सागर के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे ब्लैक सी भी कहा जाता है। इसके अलावा काला सागर को युक्सिन सागर के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर का यह सीमांत समुद्र पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच स्थित है। काला सागर 436,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का जलाशय है और इस समुद्र की अधिकतम गहराई 2212 मीटर है। इसमें समाहित जल का आयतन लगभग 547,000 घन किलोमीटर है। काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है। यह स्थिति आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां आसपास के जल निकायों से जल विनिमय सीमित अथवा पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। तो अब बात करते हैं कि काला सागर के आसपास कौन से देश स्थित हैं। काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन देश हैं तथा दक्षिण में तुर्की देश स्थित है और ये जो सागर है इन सभी देशों के बीच में स्थित है। इसके पूर्व में जॉर्जिया तथा कॉकेसस की पर्वतमालाएं हैं जो इसे कैस्पियन सागर से अलग करती हैं। पूर्व से पश्चिम की सबसे अधिक लंबाई लगभग 1175 किलोमीटर है। काला सागर दुनिया का प्रमुख जल निकायों और प्रसिद्ध अंतर्देशीय समुद्रों में से एक है। इतनी जानकारी जानने के बाद आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इसे काला सागर क्यों कहा जाता है या इसे काला सागर के नाम से क्यों जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल काला सागर के नाम की उत्पत्ति के पीछे कई कारण बताए गए हैं। एक तर्क के अनुसार सर्दियों के दौरान जब इस समुद्र में तेज तूफान चलता है तो काला सागर में जो पानी है वो काले रंग का दिखाई देता है। पानी काला रंग दिखाई देने के कारण नाविक इसे काला सागर कहने लगे और ये नाम प्रचलित हो गया। काला सागर को सबसे पहले प्राचीन यूनानी नाविकों ने समुद्र के रूप में नामित किया था, यानी काला सागर का नामकरण बहुत समय पहले यूनानी नाविकों के द्वारा किया गया था और तब से अब तक इसे काला सागर के नाम से ही जाना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार काला सागर समुद्र में हाइड्रोजन सल्फाइड की उच्च सांद्रता के कारण बहुत लंबे समय से इस समुद्र के तली में या कहें कि समुद्र की अधिक गहराई में डूबे जहाजों, मृत पौधों, जानवरों और कई धातु की वस्तुएं काले कीचड़ से ढकी हुई है, जिस कारण से यह समुद्र देखने में काला दिखाई देता है। इस कारण से लोग इसे काला सागर के नाम से जानते हैं। तो आज मैंने आपको काला सागर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई और जानकारी दिया। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल ज्ञान की बातें को जरूर सब्सक्राइब करें। यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।